ओके बेटा, क्या आप लोगों को मेरी गूगल ड्राइव दिख रही है इस समय सबको? यस सर। ओके, तो मैं आपका पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपने कैसा एग्जाम दिया है। ठीक है, चलो। ये आपके सामने एक पेपर का पहला पेज था जिसमें आपसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, देन आपका क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट? क्या होता है बेटा? सर सेल। सेल। तो ये हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग पेपर कैसे कर पाते हैं इसको। ठीक है, इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। आओ, चलो ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने खुल चुका है। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट? क्या है आपका? सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट? चार्ट। चार्ट, वेरी गुड। क्या है सर? टाइम प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चन पेपर दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन पेपर दिखाई नहीं दे रहा है? ओके बेटा, आना चाहिए था आपको। जस्ट अ सेकेंड, अब दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड? क्या कहता है बेटा? सेल कहलाता है। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन, द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इज अ The type of chart that shows the contribution of each value to a total value. क्या कहलाता है बेटा? कौन सा chart? Pie chart. क्यों बेटा? आपको मैं pie chart example दिखाता हूँ। देखो बेटा, इधर मैं आपको pie chart example दिखाता हूँ तुरंत। ये देखो बेटा, इसकी इमेजेस आप देख सकते हो कि पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब एंड नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। हियर यू कैन सी दिस इज 100% ऑफ एनीथिंग इन व्हिच स्पेन एंड वाइड एंड अफ्रीकन अमेरिकन एंड ऑल दैट, अफ्रीकन इंडियन एंड ऑल दैट थिंग। दिस इज अ कॉन्फिगरेशन ऑफ पीपल्स। इट मींस दैट इन अ रीजन ऑफ 100% हाउ मेनी पॉपुलेशन आर बिलोंग टू व्हिच कम्युनिटी। ओके, so in this way you can create any kind of table, any kind of pie chart. okay, समझ पा रहे हो नहीं बेटा? समझ पा रहे हो नहीं बेटा? ये बताओ जल्दी बोलो। yes yes sir। जैसे देखो, ये अच्छा सा एग्जांपल है। आई थिंक आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, लेकिन ये मेरी रुचि नहीं है। हाई क्वालिटी में देखनी पड़ेगी हमको। ये बिना इमेज आपको दिख रही कि नहीं? दिख रही है सर। ठीक बेटा, ओके। इस इमेज में आप एक बार देख पा रहे होंगे क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने अगर 100 रन बनाए, 100 स्कोर किया, इट मींस दैट कि उस 100 का 1% कितना होगा? 100 का 1% वन ही होता है। अगर उस व्यक्ति ने, अगर उस प्लेयर ने, उस बैट्समैन ने अगर 200 रन बनाए, इट मीन्स दैट इसका 1% कितना हो गया?
टू हो गया। समझ पा रहे हो बात को, बस संदेश पता है ना सबको। क्लास सेवेंथ जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। अब देखो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने मिड विकेट, मिड विकेट से कितने रन बनाए, मिड विकेट से 28% रन बनाए, कितने परसेंट बेटा 28%। मिड विकेट की रेंज कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा इसका 28% दिखाया गया मिड विकेट से। फिर लॉन्ग ऑन पे उसने कितना बनाया, लॉन्ग ऑन पे भी 25%, तो ये क्या होगा, ये आपका 25% हो गया। कवर्स उसने कितने स्कोर किया, कवर्स ने 20% का स्कोर किया, ठीक है। फिर फाइन लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ से 9%, फाइन लेग पे 10-11% एंड देन थर्ड मैन से 7%। ये किस बैट्समैन के लिए, बैट्समैन जब राइट हैंड साइड खेलता है, क्या खेलता है बेटा, राइट हैंड साइड का बैट्समैन होता है। अगर ये बैट्समैन लेफ्ट हैंड साइड का होता तो चीजें ठीक बदल जाती, मतलब इधर वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हो सब चीजें इधर आती है और इधर वाले पॉइंट्स जो है ये उठ करके इधर आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं है पाई चार्ट, समझ में आया कि नहीं बेटा, लिख दो। अभी ये स्कैटर चार्ट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे कि आपने कोरोना में अक्सर देखा होगा, ठीक है, ये कि 12 मतलब इसमें टेम्परेचर लिखा गया है एंड इधर डोसेज लिखी गई है। जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड था तब 20 डॉलर सेल हुई, 14 में और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा और ज्यादा सेल हुई, इसको एक्स वाई प्लॉट कहते हैं, सेल्टर एक्सेल प्लॉट कहा जाता है, जिसमें कि हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू को लेते हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू को लेते हैं, उसके बीच में हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि जितने पॉइंट इधर रहेंगे लाइन के नीचे की तरफ उतने पॉइंट लाइन के ऊपर की तरफ भी रहेंगे, और एक मिडिल लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें ताकि हमें ग्रॉस पता चल जाए कि हाँ हमारा इतना चेंज है, इतनी चेंज चल रही है, ग्रॉस वैल्यू पता चल जाए, अगर आपको मेरा ग्रॉस वैल्यू पता चल रही है। तो इस तरीके से आपका एक्स वाई प्लॉट होता है, समझ में आया ये बात, एक्स वाई प्लॉट स्केलेटन चार्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, जल्दी बोला करो, म्यूट अनम्यूट करो सब लोग उसको। क्रिकेट सबको पता है ना, क्रिकेट के बारे में सबको नॉलेज है ना, मैं क्रिकेट के एग्जाम पहले चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्रिकेट का एग्जाम पहले था, आपने इस तरह के चार्ट को अक्सर देखा होगा, देखा है कि नहीं, यहाँ इंडिया जितने बनाया, ऑस्ट्रेलिया जितना बनाया, मैच में इंडिया हार गई है, क्यों हार गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या हुई, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 300 रन तक पहुंच चुकी थी बट इंडिया इतना स्कोर नहीं कर पाई, ठीक है। इंडिया क्या, इंडिया इतना स्कोर नहीं कर पाया, इंडिया कहाँ तक पहुंचा है, 250 के ऊपर है बट 300 के नीचे है। तो ये क्या, इस तरह के जो आपके चार्ट में क्या होता है, इसको वार्म चार्ट या क्या कहते हैं, लाइन चार्ट भी कहते हैं। लाइन चार्ट का एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है लाइन चार्ट का, ये भी एग्जाम्पल है लाइन चार्ट का, क्रिकेट एंटरप्राइज चार्ट ढाका में हुआ है, जैसे बांग्लादेश वर्सेस इंडिया में हुआ है, जो कि इंडिया इसको जीत चुकी है, इसको आप देख के या समझ सकते हो, ठीक है। 20 ओवर का मैच था, इसमें इंडिया को ही नहीं पा पाया था, बहुत ही काली टक्कर रही होगी, बट क्या हुआ, इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। तो इस तरीके से एशिया कप का फाइनल था ये, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और जैसे कि आप चार्ट अक्सर देखते हो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे या टीवी वगैरह पे, तो आप इसको समझ पा रहे हो कि कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा, लाइन चार्ट, यस। अब बात करते हैं बार चार्ट की, बार चार्ट कौन से होते हैं उसको भी सर्च कर लेते हैं, बार चार्ट को इसमें भी हम क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बेटा कौन है, आवाज कौन कर रहा है बेटा, अननोइंग साउंड ना करो ना बेटा,
है देखो ये आपके सामने एक बैटिंग है, बांग्लादेश की बैटिंग का स्टैट बता रहा है कि बांग्लादेश ने ओवर ऑफ कितना स्कोर किया। बांग्लादेश ने ओवर स्कोर किया 224/9 मींस दैट कि उन्होंने 124 रन का स्कोर किया। 2020 ओवर का मैच था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ओवर्स कितने, यहां पे ओवर्स हैं 20, जैसे कितने ओवर का मैच था, 20 ओवर का मैच था जिसमें बांग्लादेश ने 124 रन का स्कोर किया 9 विकेट के लॉस पे। ठीक है, अब पहले ओवर में क्या किया, पहले ओवर में बांग्लादेश ने कितने रन लिए, 14 रन लिए। ठीक है, कितने रन पहले ओवर में 14 रन लिए, तो एक ही क्या होगा, एक इसलिए यहाँ पे एक लाइन बना दी गई, एक तरह से बार बना दिया गया। सेकंड ओवर में क्या हुआ, सेकंड ओवर में उन्होंने एक रन लिया और एक रन लेते ही क्या हुआ, एक बैट्समैन आउट हो गया, उसमें क्या दिखा दिया गया, डॉट दिखा दिया गया। फिर थर्ड ओवर में क्या हुआ, थर्ड ओवर में 10 रन, फिर फोर्थ ओवर में उन्होंने कितने लिए 9 रन, फिर सिक्स ओवर में उन्होंने लिया 9 रन, फाइव ओवर में उन्होंने लिया 6 रन, इस तरीके से इन्होंने स्कोर किया। एंड फाइनली इनका जो कंप्यूटर स्कोर था कितना था, 124/9 विच इज अ गुड स्कोर, जिस तरीके से इन्होंने स्कोर किया। क्या ये सब बातें क्लियर हो रही है, पता चल रहा है बार चार कैसे होता है, बार चार ओके। द सेंट्रल एरिया विदिन अ चार्ट वेयर द एक्चुअल चार्ट इज डिस्प्लेड इज नोन एज प्लॉट एरिया। क्यों बेटा प्लॉट एरिया, देखो ये जो आपको मैंने लास्ट टाइम चार्ट डिस्कस किया, कहां गया आपका चार्ट अच्छा वाला चार्ट, ये रहा। तो ये जो एरिया है जहां पे ये जो एरिया जहां पे इसमें कर्सर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, ये आपका क्या है, ये एक्चुअली आपका प्लॉट एरिया है। ये आपका क्या है, चार्ट प्लॉट किया गया है। बाकी लीजेंड क्या होते हैं बेटा, लीजेंड होते हैं जो किनारे किनारे लिखे जाते हैं, यानी कि यहाँ क्या रन लिखा गया, ओवर लिखा गया, आपके लीजेंड हो गए। और तो ऑप्शन दिया था मैंने डाटा सीरीज, डाटा सीरीज भी जिसमें डाटा दिया जा रहा है कि फर्स्ट ओवर में 14 रन, सेकंड ओवर में 2 रन, थर्ड ओवर में 10 रन, क्या ऐसे डाटा सीरीज हो गया। देन एक्सेस, एक्सेस में दो होती है, एक्स वाई एक्सेस, वाई एक्सेस हो गई और नीचे वाली क्या, ये एक्स एक्सेस हो गया, नीचे ओवर रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सेस को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है रन को। अब ये एक्स वाई डिसाइड कैसे होता है कि हम एक्स एक्सेस पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, वाई वैल्यू पे किसकी वैल्यू रखेंगे। तो बेटा जो एक्स एक्सेस होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या कि आपका क्रिकेट मैच कुछ भी होगा, 20 ओवर का है, इट मींस दैट कि 20 ओवर आपको बॉलिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिक्स होता है ना बेटा, 20 ओवर का मैच मतलब क्या, आपको 20 ओवर आपको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड ये फिक्स नहीं होता कि आपको फर्स्ट ओवर में कितने रन बनेंगे, सेकंड में कितने रन बनेंगे, थर्ड में कितने बनेंगे। तो जो आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है, द वैल्यू दैट कैन चेंज इन एवरी टाइम विल मेक यू इन y एक्सिस। तो आप किसमें रखेंगे, इस तरह की वैल्यू को y एक्सिस पे रखते हो, जो वैल्यू फिक्स होती है उसको कहां रखते हो, x एक्सिस पे रखते हो। कोई डाउट किसी को, नो सर। आप यहां पे भी देखो बेटा, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था फाइनल में ढाका का, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ओवर्स है, ये ओवर्स क्या है, x एक्सिस पे है, क्योंकि ओवर फिक्स है, 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर ही खेला जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 300 के ऊपर रन बने थे 20 ओवर में, जो कि बहुत ही रोमांचक मैच रहा होगा आई थिंक। और लास्ट तक मैच खींचा है, आप देख सकते हैं कि इतना चार्ट टाइटल, जैसे कि आपने बिल्कुल बेटा,
जैसा कि बिल्कुल बेटा चार डाटा, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था पिछली भी उसमें फोटोज में, यहाँ पे क्या जैसे क्रिकेट रन पर ओवर चार्ट, ठीक है, क्या क्रिकेट रन पर ओवर का है, तो ये क्या तरीके से, ये एक तरीके से इसका चार्ट टाइटल है, हाँ क्रिकेट में कितने रन बनते हैं पर ओवर, क्या है इसका चार्ट टाइटल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैडम, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट, टाइप चार्ट कौन सा नहीं होता है, हेक्टर नहीं होता, क्योंकि पाई होता है, कॉलम होता है, एरिया होता है, बट हेक्टर नाम का कोई भी चार्ट आपके साथ में नहीं होता है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट यूज फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डाटा, बताओ सिंगल सीरीज ऑफ डाटा के लिए कौन सी यूज करोगे, जल्दी से बताओ बेटा, सिंगल सीरीज ऑफ चार्ट डाटा के लिए, सीरीज ऑफ डाटा जहां पे क्या है जैसे रन बन रहे हैं ओवर बाय ओवर, कॉलम यूज करोगे, क्या यूज करोगे बेटा जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को, वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, अगर बेटा किसको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछना, ये नहीं कि नहीं आता तो बैठ कर रहो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट कैसे दिखाएंगे, पाई चार्ट, मान लो आपके 100 रुपए खर्चा हुए तो 100 रुपए अलग अलग कहां कहां कितने कितने खर्चा हुए आप कैसे दिखा सकते हो, पाई चार्ट से दिखा सकते हो, कैसे, आप क्या करोगे, एक यहां पर ऐसा कुछ बनाओगे, टेन% आपके मान लो बुक पे लग गए, ठीक है, फिर 25% आपकी फी होगी, इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर को दिखा सकते हो किसमें, पाई चार्ट, क्लियर है, क्लियर ही नहीं है, बेटा म्यूट करके बातें ना करो, कौन बात कर रहा है म्यूट करके, बेटा म्यूट कर लो बात करनी है अगर पैरेंट से, तो कौन है बेटा ये साउंड में कर रहा है, देखो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखो बेटा, ठीक है, ये आप अपने बनने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने बना दिया चार्ट को, ठीक है, ये तरीके से आपका क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया, इसमें हमने क्या दिखा दिया, अलग अलग इसमें नेचर को दिखा दिया, कैसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्टडी में इतना खर्चा हो गया, ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बुक्स पे इतना खर्चा हो गया, ठीक है, अब मान लो उसके बाद ये क्या है, कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मतलब स्कूल आने का जो खर्चा होता है, आपके जो कॉपी के दाम में नॉन लाइटिंग सब का खर्चा ही हो गया, अदर फूड्स के लिए होने वाला फूड्स के लिए खर्चा हो गया, ठीक है, और सब चीजें अलग हो गई, फीस के लिए हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, 100% कितना बेटा, 100% क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, यही आपका पाई चार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, पाई चार्ट, क्लियर। नेक्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच इंटर सिंगल अमाउंट ऑफ डाटा, क्या कहलाता है, जो सिंगल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, डाटा एंटर करते हो क्या होती है बेटा, सेल टेबल बॉक्स कॉलम, क्या होती है, सेल होती है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट, क्या यूज करोगे बेटा, बोथ एंड बी, बोथ एंड बी, बोथ एंड बी,
क्रॉस पाई चार्ट में क्या हो रहा है? हाँ बेटा, कॉलम भी यूज कर सकते हो और लाइन भी यूज कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एचटीएमएल? क्या यूज करते हैं हम? बीआर फॉर ब्रेक. विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग टैग? क्लोजिंग टैग में क्या यूज करते हैं? बैक स्लैश की फॉरवर्ड स्लैश क्या यूज करते हैं बेटा? मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको यूज करते हैं. है अभी देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं. ये देखो ये कौन सा स्लैश है? इस तरह वाले. ये कौन सा स्लैश है बेटा? देखना मैंने क्लोज किया है. आप लोगों को प्रोग्रामिंग साथ देख नहीं रही होगी. इसे ये देखो इसने हेड को क्लोज किया. यहाँ पे कौन सी टैग यूज किया? स्लैश. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है इसका ऑप्शन? ये होगा. ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, बैक स्लैश. ओके नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंट ऑफ द मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक इन एचटीएमएल? इटैलिक करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? Which of the following tag is used for inserting larger heading in HTML? क्या यूज करेंगे बेटा? H1. ठीक है, H1 से लेकर S6 तक होते हैं आपके. H1 highest है, S6 lowest होता है. Which of the following element represents the making the text bold? Bold के लिए क्या यूज करेंगे? Italic. The correct sequence of HTML for the storing of a page is. पहले आपको क्या आता है? HTML आएगा, फिर क्या आएगा? Head आएगा, फिर title, फिर body. ठीक यही है. Yes. Hypertext of language. Hypertext language. Yes, hypertext language. Okay, बेटा. So this is all your answers. अब इसको submit कर दिया है और आप देखते हैं इसका marks कितना आएगा. Okay, beta, so that's all for today. I think you have enjoyed. If you have any kind of question, you can ask. Okay?